गुड मॉर्निंग हिमाचल, आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। भाजपा महामंत्री कोरोना की चपेट में, पोंटा में बढ़ता जा रहा संक्रमितों का आंकड़ा, रात को हुए 4 और शिकार। ये जन्माष्टमी घरों में मंदिरों में नहीं होगा कोई कार्यक्रम, ना निकलेगी शोभा यात्रा। आवारा पशुओं ने मुश्किल कर दिया जीना, चालकों पर कर रहे अटैक, राहत मांग रही जनता। कांगड़ा में पनपा विवाद, निर्माण कामगार संघ बोला ना करें दखलंदाजी। अब समाचार विस्तार से। पोंटा साहिब में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। रविवार रात को पोंटा साहिब में 4 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 2 पोंटा साहिब विधानसभा क्षेत्र से तथा 2 शिलाई विधानसभा क्षेत्र से शामिल हैं, जबकि रविवार के 37 सैंपल जांच में हैं। रात को आए नए मामलों में भाजपा पोंटा साहिब मंडल के महामंत्री और बनौर निवासी देवराज चौहान की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। उन्होंने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर की है। उनके साथ साथ एक युवक पोंटा साहिब नगर से भी संक्रमित पाया गया है। इसके अलावा 2 मामले शिलाई क्षेत्र के स्तौन और शिलाई से हैं। स्तौन से 1 युवक तथा शिलाई से 16 वर्षीय एक युवती को भी कोरोना ने अपनी चपेट में लिया है। पोंटा में अब एक्टिव मामलों की संख्या 62 हो गई है। बीएमओ राजपुर डॉक्टर अजय देओल ने कहा कि सभी को कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। प्रदेश में कोविड 19 ने ऐसे हालात बदल दिए हैं कि लोगों की आर्थिक स्थिति के साथ साथ अब धार्मिक आस्था को भी ठेस पहुंचने लगी है। बढ़ते संक्रमण के कारण ऐसा पहली बार होगा जब हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मंदिरों में नहीं बल्कि अपने घरों पर ही मनाया जाएगा। आज ही के दिन लोग जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे। बता दें कि प्रदेश भर में सुबातु छावनी में कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। सुबातु की रात्रि कृष्ण भजन संध्या सहित शोभा यात्रा सैकड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है, लेकिन इस बार यहां कोई कार्यक्रम नहीं होगा। जिला अधिकारी की ओर से भी कमेटी को निर्देश जारी हो चुके हैं। हालांकि सुबातु के ठाकुर द्वारा मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। कमेटी के महासचिव अशोक कौशिक ने लोगों से घरों में ही जन्माष्टमी मनाने का आग्रह किया है। सरकार लाख कोशिशें कर ले, कितनी ही योजनाएं चला ले, लेकिन इन आवारा पशुओं से छुटकारा मिलता दिखता नहीं। सड़कों पर घूमते ये पशु कई हादसों का कारण बन रहे हैं। अब राजा का तालाब ज्वाली मार्ग के हालात ही देख लो। यहाँ लव चौक कहरिया चौक पर ही करीब 25 से 30 आवारा पशु झुंड बनाकर घूमते हैं और कई बार इनके कारण जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। कई बार तो आवारा पशु आपस में भिड़ते भिड़ते वाहन सवारों को गिरा देते हैं, तो कई बार सड़क किनारे खड़े वाहनों के साथ टकराकर वाहनों को नुकसान पहुंचाते हैं। दिनों दिन इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। ज्वाली में मात्र 1 गौसदन है जिसमें भी 100 गाय रखने की क्षमता है, जबकि इतने आवारा पशु तो एक ही झुंड में मिल जाते हैं। मंगलवार को सुबह आवारा पशुओं की तादाद से कहरिया चौक में जाम लग गया। बुद्धिजीवियों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग उठाई है कि कोई ठोस योजना बनाकर पशुओं को आवारा छोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिला कांगड़ा निर्माण कामगार संघ की हाल ही में गठित कार्यकारिणी को असंवैधानिक करार देते हुए हिमाचल प्रदेश निर्माण कामगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर सिंह रविंदर ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने अनधिकृत लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही है। उनका कहना है कि जिन लोगों का निर्माण श्रमिकों से कोई संबंध नहीं है और ना ही निर्माण श्रमिक हैं और ना ही कभी निर्माण श्रमिकों के उत्थान के लिए कोई कार्य किया है, वे लोग निजी स्वार्थ साधने के लिए गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश निर्माण कामगार संघ भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत है और उसका अपना विधान है जिसमें कोई भी अन्य व्यक्ति दखल अंदाजी नहीं कर सकता। ये जो लोग नोटा में, अभी 2-3 दिन से मुझे सूचना मिली है कि दिव्य हिमाचल टीवी वालों ने कुछ ऐसा कोई संगठन, हमारे संगठन के नाम पर कोई संगठन इकाई गठित की है जिला कांगड़ा की, तो वो जो नगरोटा में दिव्य हिमाचल टीवी के माध्यम से जो हिमाचल प्रदेश निर्माण कामगार संघ के बैनर के नीचे जो इकाई का गठन हुआ है वो गैर कानूनी है, फैब्रिकेटेड है, वो निजी हितों की खातिर किसी ने किया है, वो गलत है, गैर कानूनी है। ये लोग तो निर्माण मजदूरों से संबंधित हैं।